देखिए हम जैसे ही पहुँचे मेट्रो निकल गई। चलिए दूसरे मेट्रो का वेट करते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर पहुँचे मेट्रो निकल गई, अब दूसरे मेट्रो का वेट करते हैं। चलिए हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ सौरभ के पापा के साथ दांतों को दिखाने, क्योंकि दांतों में मेरे दर्द रहता है ना, तो इसके लिए 3-4 बार तो मैं जा चुकी हूँ पीछे, लेकिन अभी फिर मुझे अभी 5-6 बार और जाना है। कभी एक्सरे है, कभी मतलब चेकअप होता है, ऐसे अभी मुझे कई बार जाना पड़ेगा। तो फाइनली हम मेट्रो में बैठ चुके हैं, और मेट्रो में देखिए कितनी भीड़ है, आज बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो फाइनली हम अपने हॉस्पिटल आ गए हैं, और बस यहाँ पर अब डॉक्टर आने वाले हैं और दांतों का चेकअप होगा। तो अब हम जा रहे हैं घर, दांतों का चेकअप हो गया है, और मुझे थोड़ा किचन के डिब्बे वगैरह लेने हैं। तो फ्रेंड्स, हम डी मार्ट में आ गई हूँ, और डी मार्ट से थोड़ी बहुत शॉपिंग करके तब घर जाऊँगी। यहाँ मैं रास्ते में तुगलकाबाद उतर गई थी, और यहीं पर डी मार्ट खुला हुआ है, यहाँ से मैं थोड़ी बहुत शॉपिंग करके घर जाऊँगी। चलिए दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मैं डी मार्ट में आ गई हूँ, लेकिन यहाँ पर वीडियो बनाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं था, तो फिर मैंने नहीं बनाया, और बस थोड़ी बहुत शॉपिंग करके किचन के डिब्बे वगैरह लेने थे, तो वही लेके मैं आ गई बाहर। और यहाँ पर मुझे लगी है प्यास, तो मैंने कहा जूस पी लेती हूँ, तो जूस फ़ायदेमंद भी है, तो मैंने यहाँ पर जूस पी लिया। तो जूस तो मैंने पी लिया है, और अब बस पैसे ले लेते हैं। प्यास लगी थी बहुत तेज, पानी तो मिला नहीं, मैंने कहा चलिए जूस ही पी लेते हैं, जूस फायदेमंद भी है। और ये शाम का वीडियो है, अभी बज गए हैं शाम के 5, और मैं जा रही हूँ पार्क मॉर्निंग वॉक नहीं, इवनिंग मतलब शाम को टहलने के लिए। तो अभी हम लोग आ गए हैं पार्क में, और टाइम 5:30 बज गए हैं, और 4-5 राउंड अब हम शाम को लगाएंगे यहाँ पर। कैसा लग रहा है पार्क में आके? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। पता है हमारे वहाँ भी 3-4 पार्क बन गए हैं, लेकिन इतनी भीड़ रहती है वहाँ पे, इतनी भीड़ रहती है, इसीलिए हम 37 सेक्टर आ गए हैं, यहाँ इतनी भीड़ नहीं है। अब आपकी वीडियो देख के सबको पता चलेगा कि हमारे उधर पार्क में कितनी भीड़ होती है। और देखिए यहाँ पे कितनी ग्रीनरी है, हमारे यहाँ नहीं है, घास नहीं, अभी नया पार्क है ना, अभी हो रहा है। हाँ, बाद में लगाएंगे, लगेंगे धीरे धीरे। हाँ, अभी नया पार्क है, बन गया, यही बड़ी बात है। और यहाँ पे देखिए कितनी ग्रीनरी है, हम लोग शुरू से यहीं पे आते हैं। तो बस यहाँ पर हमने राउंड लगा लिया है, 5-7 राउंड लगा लेते हैं जितना टाइम होता है, और उसके बाद अब कर लेते हैं थोड़ी सी एक्सरसाइज, क्योंकि एक्सरसाइज भी ज़रूरी है करना। तो जब कभी सुबह टाइम मिलता है तो सुबह आ जाते हैं, अगर कभी सुबह टाइम नहीं मिलता तो शाम को आ जाते हैं, लेकिन आते ज़रूर हैं हम लोग पार्क। तो फ्रेंड्स, ये अगले दिन की वीडियो है शाम की। तो ये सौरभ का रिजल्ट आया था, तो सौरभ ने बोला मम्मी चलो आज बाहर डिनर करने चलते हैं, क्योंकि काफ़ी दिन से हम लोग गए नहीं थे बाहर डिनर करने के लिए, क्योंकि मुझे ज़्यादा बाहर का खाना पसंद नहीं है, तो मैं ज़्यादा पसंद नहीं करती बाहर जाना। तो सौरभ ने बोला, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हम छोटी छोटी चीज़ों में अपनी खुशियाँ ढूंढ सकते हैं, तो बस यही है ज़िंदगी, तो बच्चों को थोड़ा सा अच्छा लगता है
खुश हो जाते हैं। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, चलो बाहर चलते हैं। तो ये रेस्टोरेंट हमारे यहाँ पास में ही है, तो बस हम लोग यहीं पर आ गए डिनर करने के लिए। इनके पापा हैं नहीं घर पर, वो कहीं 2-3 दिन के लिए बाहर गए हुए हैं, दिल्ली से बाहर। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, चलते हैं बच्चों के साथ। तो बस यहाँ पर हम लोग आ गए। फ्रेंड्स अभी हम आ गए हैं इस रेस्टोरेंट में, तीनों देखो दोनों ये बच्चे और मैं डिनर करने। कभी कभी मन करता है घर का खाना खा खा के थोड़ी सी ऊब लग जाती है, तो फिर मन करता है बाहर कहीं खाएं। वैसे मैं जाती नहीं हूँ ज़्यादा, बाहर का खाना मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन कभी कभी होता है ना, बस ये लगता है कि नहीं वैसे मुझे ज़्यादा घर का खाना ही पसंद है। तो ये आ गया है हमारा मसाला डोसा, और अभी देखिए क्या क्या आता है। ये जो वॉशिंगटन है सुंदर तो है ना, ये सुंदर क्यों है। तो बस यहाँ पर मैंने अपने लिए मसाला डोसा लिया, और ऋषभ ने सैंडविच लिया, सौरभ ने दाल मखनी और चाउमीन लिया, जिसको जो पसंद था सबने अपना अपना लिया। और उसके बाद बस हम लोग अब डिनर कर लेते हैं, और आइए आप लोग भी हमारे साथ डिनर कर लीजिए। तो बस यहाँ पर हम लोगों ने डिनर कर लिया है, और अब थोड़ा सा मीठा ले लिया है, एक एक गुलाब जामुन, थोड़ी सी आइसक्रीम, क्योंकि खाने के बाद थोड़ा सा मीठा खाने का मन करता है। तो बस उसके बाद चलते हैं अब घर को। तो फ्रेंड्स वीडियो को करते हैं वहीं पर एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, खुश रहें और खुशियाँ बाँटें।